स्कूल में जो एकदम एसेंशियल टॉपिक पढ़ाया कि ये तो एकदम जरूरी है, ठीक है, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए, हर एक आदमी को होना चाहिए, उसमें तुम मेरे को क्या पढ़ाया? करेक्ट, उसमें तुम मेरे को नहीं पढ़ाया ना। और बात यह है कि उसी समय उसमें कंटेम्प्रेरीज के बारे में पढ़ाया, जिस जो हीरोज है, नेटिव हीरोज है, उनका जो इन्वेडिंग कंटेम्प्रेरीज था उन लोग के बारे में डिटेल में पढ़ाया, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ाया। ये है बात, तो ये सही है मेरा है। मेजर पॉइंट मतलब इतना थोड़ी जो कि भाई हम पूरा ऊपर पढ़ेंगे यूपीएससी तब तक हाँ, अभी मेरे को नॉलेज मिलेगा करके चल रहा है यूपीएससी में जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल सही चीज है। हाँ, अच्छा वो भी बात सही है। हाँ, उसमें भी बहुत सारा प्लेजरिज्म ये सब हाँ, होगा। और दूसरा बात ये भी है कि जो तुम टाइम बैक टू जो हम बोल रहे थे वो वाला पॉइंट कि जो तुम एज एन एसेंशियल सबको पढ़ा है कि इंडिया का हर बच्चा को ये तो पता होना ही चाहिए, इसीलिए हम बचपन में ही पढ़ा दे रहे हैं, राइट। ठीक है, टेंथ तक तो सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है ना, उसके बाद चॉइस आ जाता है तुमको जो पढ़ना है पढ़ो। कितना लोग टेंथ के बाद हिस्ट्री छोड़ देता है, ठीक है, उसके बाद तो एक बार ग्रेजुएशन में घुस गया तो बहुत लोग तो पढ़ता ही नहीं है फिर आगे ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो उस समय तुम मेरे को सबसे एसेंशियल चीज पढ़ाएगा ना, तुम मेरे को सबसे एसेंशियल चीज ये क्यों पढ़ा रहा है, वही क्वेश्चन है। लेकिन वही है, अबे इंटरनेट पे तो आदमी लोग को केवल बहस करना है, आगे वाला का पॉइंट समझ यार। अबे नॉर्मल भी कुछ हमने जैसे ये राणा कुंभा वाला रील डाले, उसमें क्या, उसमें तो कुछ बोले ही नहीं, उसमें बस बताया कि राणा कुंभा इतना फाइट लड़े, इतना दुर्ग बनाए, ऐसा किताब लिखे, यही बताए। उसमें भी नीचे आके गलौज बकाली गलौज, ए लोग ये लिंडूस दिस दैट। भाई हर चीज को ना एक एंगल से देखने का हम लोग को ना मतलब नशा हो गया है। धर्म धर्म रिलीजन रिलीजन सेक्युलर, अबे उसको छोड़ के देख। हाँ, अभी नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बचपन में जो हम पढ़े वो एकदम सही है, वो मान चुका है, समझ रहा है कि उसमें कोई गलत है ही नहीं ऊपर से नीचे। तो यही तो गलत है ना, ऐसा अगर सोचने लग गया तो भाई सीखेगा क्या? कुछ भी वही नया नहीं सीखने का शौक ही नहीं है। यहाँ पे दिखता है थॉट कंडीशनिंग, तेरे को उसी पैरामीटर में सोचने के लिए समझा चुका है, कंडीशन कर चुका है, ठीक है, तो तुम उस पैरामीटर को छोड़ के नहीं सोच पाता है। अब इसका सिंपल एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अब हम और तुम अगर कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं? फन, कि हम लोग मजा करने गए हैं, जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ता है। बैडमिंटन में हम तेरे से चार बार अगर हार जाए लगातार तो हम आके रोएंगे तो नहीं ना, मतलब चलो भाई एक्सरसाइज हो रहा है, पता नहीं आज जीते हैं कल तेरे को बताते हैं। लेकिन जिन लोग प्रोफेशनली वो स्पोर्ट्स खेलता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल देते हैं माइक टाइसन या बॉक्सर लोग। बॉक्सर लोग किस मेंटालिटी से खेलता हो कि डू और डाई है। टाइसन अपना बताया भी है कि कस डोमाटो उसको हिप्नोटाइज करता था जब वो टीनेज में था ना, तो उसको सही में हिप्नोटाइज करता था और उसको बताता था कि जीतना जो है इट विल मेक योर लाइफ बेटर, तुम हार गया तो तेरा सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तेरा घर पे खाना नहीं आएगा, तेरा बच्चा लोग भूखे मर जाएगा, समझ रहा? कंडीशनिंग कर रहा है, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। अच्छा। जो कि एक यंग एज में तुम करता है किसी के भी साथ, हर हर घर पे फैमिली के साथ भी कंडीशनिंग होता है, स्कूल में भी तेरा कंडीशनिंग होता है। हम लोग का कंडीशनिंग ऐसा है ना कि हम लोग वो ब्रैकेट्स में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम ये जात वो जात ये वो, तो वो ब्रैकेट छोड़ के हम लोग देख ही नहीं पाते। अब हम तेरा नेटिव हीरो के बारे में बात कर रहे हैं जो तेरा देश में जन्म लिया, यहीं पे पला बड़ा, यहाँ के लिए कुछ करके गया, तुम एक बार भी वो नहीं देख रहा, तुम सीधे बोल रहे ये तो हिंदू है, तो नीचे में कमेंट कर दिया हाँ मुगल का चट्टा लंथपन जो भी। और तुम अगर कोई मुस्लिम के बारे में बात कर दिया तो हिंदू लोग आके, मतलब वही कंडीशनिंग वैसा हो गया है भाई। तो ये लोग आदमी वैसा ही है जो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, समझ रहा है? तुम थोड़ा भी चेंज लाएगा, अब जैसे एक तरह से हम वो मैकग्रेगर का एक तो देख रहे थे वीडियो, तो उसमें बोल रहा था कि अपना शेड्यूल और अपना रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाहर उसको पता ही नहीं कि और लाइफ होता कैसा है, ठीक है, लेकिन उसके कारण ही वो जो तुम कंडीशनिंग बोल रहा है ना, वो सेल्फ कंडीशनिंग कर किया है अपने आपके अंदर और उसके कारण ही वो अचीव कर रहा सक्सेस। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चेंजेस के लिए मतलब रेडी नहीं है, उसको कोई नहीं। और नहीं किया है, वो खुद से वो खुद से ही अपने आप को किया है कंडीशन, इसलिए वो चेंज भी कर सकता है अपने अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत मुश्किल काम है वो करना, खुद से खुद को चेंज करना, अपने आप को बदलना ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम जो पॉइंट समझा रहा था वो ये था कि हम लोग को जो स्टार्टिंग से एजुकेशन या जो हम लोग को एनवायरमेंट दिया जा रहा है उसमें हम लोग को प्री कंडीशन किया जा रहा है ऐसा इस डिविजन के ब्रैकेट में देखने का। अब तुम एक चीज देख कि इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी अपना हेरिटेज को क्यों प्रिजर्व करके रखा, जो लोग कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि उन लोग उस फ्रैगमेंट में सोचता ही नहीं है कि हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग ये जो हिंदू मॉन्यूमेंट्स है चाहे हिंदू कल्चर इसको एकदम वाइट वॉश कर दें। उन लोग बोले ये मेरा कल्चर है, ये मेरा रिलीजन है, मेरा कल्चर इज वेयर आई बिलोंग और ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि उन लोग कोई मतलब अपना बिलीफ में स्ट्रांग नहीं होगा, उन लोग भी है,
लेकिन उस तरीके से उन लोग सोचता नहीं उस चीज को. ऐसे ही बता रहा था कि चेंगीज खान के बारे में. चेंगीज खान असल में वो लोग मुसलमान नहीं थे. नहीं था उन लोग. खान उन लोग, मतलब लीडर होता है. हाँ हाँ. तो उन लोग असल में तेंगरी करके जो रिलीजन होता है तेंगरिज्म. अच्छा. जो कि बहुत लोग बोल तेंगरी बुद्धिज्म बोलते हैं. थोड़ा शामन ओझा वैसा टाइप. हाँ, शामन. उन लोग भी फायर का पूजा बहुत करता है. अच्छा. ये पारसी लोग जैसे फायर का पूजा करता है वैसा ही. मतलब ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म ही है. अभी बोलने से बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात है. बोले पूरा दुनिया हिंदुइज्म थॉट्स अगर तुम लेगा तो इसमें इसके ट्री में आएगा. हाँ, जैसे अग्नि भगवान को पूजा करता है तुम, वैसे ही उन लोग पारसी लोग आग का पूजा करता है. शामन लोग भी आग का पूजा करता था. तेंगरी लोग भी आग का पूजा करता अपना पूर्वज लोग का. और बहुत सारा स्कॉलर लोग ऐसा बोलता है कि तेंगरी जो शब्द है वो तांत्रिक शब्द का मतलब परवर्जन है. मतलब एक तरह से जैसे मंगोल से मुगल हो गया ना, वैसे ही तांत्रिक से तेंगरी हो गया. तो तांत्रिक बुद्धिज्म असल में तेरा ये जो है तिब्बत वाले एरिया जो है बहुत फेमस है. वहाँ माँ तारा का भी पूजा करता है उन लोग. बुद्धिज्म में तारा माता का पूजा कर रहा है उन लोग. फिर बोल रहे कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तो अलग अलग है. अरे तुम बेसिक्स फंडामेंटल्स में जाएगा तो इतना सारा चुतियाप है ना भाई. ये जो जापान वगैरह में जो हिंदू धर्म का एस्पेक्ट है वो कहाँ से गया? बुद्धिज्म से ही तो गया. बुद्धिज्म से ही गया है. और वहाँ पे अबे वो जो बुद्धिज्म है ना जिन लोग अभी इन लोग फॉलो करता है उसमें और हिंदुइज्म में तुम डिफरेंस कर ही नहीं पाएगा. ये तेरे को यहाँ ही का बुद्धिस्ट लोग मिलेगा जिन लोग बुद्धिज्म को एक अलग सेपरेट लाइट में कर दिया कि नहीं तुम लोग तो अलग है हम लोग अलग है. और क्या बोलेगा इसका कोई प्रूव कर भी नहीं सकता है. पर उन लोग अपना पैरेलल हिस्ट्री बना चुका है भाई और उसमें मान भी लिया है. मेरा लार्जर पॉइंट ये था कि मंगोल लोग तेंगरी था ठीक है. लेकिन उन लोग किसी भी बहुत सेक्युलर था भाई. अच्छा. मंगोल लोग को जैसे दिखाता ना बारबेरिक जहां जा रहा खतरनाक. देख उन लोग एक्सपेंशनिस्ट था. मतलब एक्सपेंशन तो सब खोजता है एक्सपेंशन कर रहा है. और उन लोग मारता था सबको मारता था. ठीक है एकदम जो बोल रहा था ना कि ऐसा सेक्युलर था सबको मारता था वो लोग. सबको मारता था. सबको मारता था. किसी को नहीं देखता था. ठीक है. तो जो 10% पॉपुलेशन शायद मंगोल एम्पायर का टाइम पे खत्म कर दिया था चंगेज खान. मतलब 10% पॉपुलेशन को मार दिया था वो अपना एम्पायर बनाने के लिए. तो वो सब सही है. बट उन लोग वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड था. उन लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ था कि अ मंगोल विल नेवर शेड मंगोल ब्लड. मतलब अगर दो मंगोल का लड़ाई हुआ है तो उन लोग कभी भी हाथापाई पे नहीं जाएगा. लास्ट में उन लोग सब मिल के द मंगोल वे ऑफ लाइफ में मानता था. मतलब आपस में कभी लड़ाई नहीं करनी. कम्युनिटी में तेरे को लड़ाई नहीं करना है. कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी है हम लोग अपना विद इन कम्युनिटी सॉल्व कर लेंगे. लड़ाई करने का जरूरत. अब देख इंडिया में हम लोग इतना फेल क्यों किए हैं. इतना सारा इन्वेडर लोग आके इतना जो भी प्रोपेगेंडा वगैंडा तो चल अलग चीज है. लेकिन यहाँ पे सल्तनत ये सब रहा तो है. ये बात तो सच है. वो क्यों रहा है उसका कारण है कि हम लोग जो हिंदू लोग है ना हम लोग एक कल्चर को अपना ब्रदरहुड टाइप का नहीं माने हैं. ऐसा नहीं कि हिंदू किंग्स है तो उन लोग दूसरा के साथ अलाइन होकर कभी नहीं लड़ेगा. सबको यहाँ पर अपने आपको सुपीरियर ही दिखाना था. समझ रहा ना बात मेरा. ऐसा नहीं है कि राजपूत किंग है तो नहीं राजपूत किंग के साथ ही लड़ेंगे. चाहे गलत हो चाहे हम हार जाए चाहे वो मेरे को पसंद ना हो लेकिन साथ में लड़ेंगे. ऐसा सिस्टम नहीं था भाई. आदमी लोग आपस में ही धोखाधड़ी करके इसी कारण से इन लोग आ ही पाया पनप पाया इन लोग का रूल. अब जैसे बाबर आया और वो जो वॉर है जो इसके साथ राणा सांगा के साथ तो तोमर उनके साथ मिल गए और मतलब रिबेल हो गया मतलब हार गया. तो वही है ना कि अपना ही राजा दूसरा का साइड ले लिया. तो एक जो कल्चरल ब्रदरहुड वाला सिस्टम जो था यहाँ पर वही वाला सिस्टम था ना कि बाहर वाला लोग जो लोग आ रहा है वो लोग बोल रहा है भाई चल उसको लूट के आते हैं. वो लोग पूरा मिल के आ गया और यहाँ वाला बोल रहा है अबे तुम मेरे को उस टाइम नहीं ना मदद किया था अब हम भी तेरे को मदद करेंगे. चाहे फिर उसके साथ अलाइन हो जा रहा है कि सुन वो अगले ही उसी को हाँ तेरा मदद कर देंगे उसको लूटने के लिए. वही यही सब चीज है. तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है पता है जो उधर का ट्राइब्स में और इंडिया में जो डिफरेंस है. उधर का से आई मीन सेंट्रल एशिया. क्योंकि इन लोग एसेंशियली सब सेंट्रल एशिया से आर्यंस नहीं है. अफगानी लोग में रहा है बहुत. वहाँ पे भी बहुत सारे ट्राइब्स है. बट जब भी प्रॉब्लम आता है सब जुड़ के लड़ता है एक साथ. अफगानिस्तान पे कभी कोई कब्जा नहीं कर पाया इतना साल से. दो मंगोल एम्पायर जो है ना वो स्टार्ट हुआ था तो असल में ये मंगोल लोग का भी छोटा 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 ट्राइब था. इन लोग यूनाइटेड नहीं था और इन लोग आपस में बहुत लड़ता था. अच्छा. चंगेज खान क्या किया असल में. चंगेज खान का फादर भी जो थे वो किसी ट्राइब के लीडर थे और उनका भी शायद वॉर हुआ था कुछ उसी तो, में वो एग्जैक्टली नहीं पता. वो शायद डेथ हो गया था उनका उसी में गुजर गया. तो फिर चंगेज खान ये कसम खाया कि हम पूरा इन लोग को यूनाइट करेंगे. तो पहले तो सबको हराया है. सब ट्राइब सबको हराया और फिर सबको बोला कि भाई हम लोग लड़ क्यों रहे आपस में. हम लोग सब मिल जाते हैं और चलो बगल में चाइना है गांड फाड़ देते चाइना का. एग्जैक्टली वही किया भाई उन लोग सब मिला है. उसके चाइना को छेकते छेकते पर्शिया छेकते छेकते सब छेकते चले गए. जहां गया
उड़ाते हुए, ठीक है, जहाँ उड़ा रहा है उसके सिर्फ बोल रहा है कि चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, आगे लोग उड़ाते मिलके उड़ाया, फिर अपना ही किसी मंगोल भाई को उधर का दे दिया कि हाँ तुम संभाल, अब मंगोल मंगोल भाई है, कुछ भी तुम धर्म भी चेंज कर लेगा तो मंगोल मंगोल भाई है, ऐसा हिसाब है। और मंगोल एम्पायर का डिक्लाइन ही इसलिए आया था क्योंकि दो भाई आपस में लड़ लिया था, तो दोनों मंगोल ही था। वो लोग का एक्चुअल रूल क्या था ना कि जैसे मान ले कि कोई एक एरिया पे मंगोल राज कर रहा है, जब वो मरता है तो उसका जितना बेटा है ना उतना बेटा सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा पूरा किंगडम, ये रूल था ये लोग। तो वो सक्सेशन के लिए वॉर नहीं होता था उन लोग के बीच में, ठीक है। अब हम बता रहे थे कि हम लोग का माइंडसेट और उन लोग का माइंडसेट में अंतर क्यों है, उन लोग इतना ब्रदरहुड और हम लोग इतना लड़चटई क्यों है कि अरे अपना फायदा क्यों देखना है। तो उसका डिफरेंस ज्योग्राफी समझाता है। अच्छा, उधर का जो क्लाइमेट है ना बहुत हार्श डेजर्ट वाला सिस्टम है, और वैसा सिस्टम में तुम अगर इंडिविजुअल रहेगा ना तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डेजर्ट में अगर तेरे को साथ रहना है, तेरे को मिलके हर एक चीज फिगर आउट करना है, अगर कुछ खाना भी है तो खाना ढूंढने जा रहा है, तो पूरा एक ट्रूप लेके जा रहा है कि हाँ भाई अगर हंट भी कर रहे थे एक ट्रूप में हंट करना है, एक साथ करेगा। और फिर उसके बाद अगर तेरा हंट तेरे पास आया पर दूसरा फैमिली नहीं है तो तुम बांटेगा उसके साथ, एग्जैक्टली। अगर नहीं बांटेगा तो कल को वो नहीं बांटे, समझ रहा ना। तो स्कैर्सिटी में वही होता ना, तुम अब आदमी को खाएगा तो नहीं, तो तुम मिल के उसके सोल्यूशन ढूंढेगा, एग्जैक्टली। तो वो है। और इंडिया में क्या था ना, अबंडेंस में है सब कुछ, क्योंकि ये इतना फर्टाइल लैंड है ये पूरा प्लेन्स वाला रीजन कि सबके पास बहुत पैसा है, बहुत सोना है, बहुत चांदी है। तो अब इसमें क्या लालच हो जाता है, ये साला इसके पास 1,00,000 है, मेरे पास 10,000 है, मैं तो इसका 50,000 लूट लेते, समझ रहा ना। तो वो भाईचारा खत्म हो जाता है, और यही भाईचारा खत्म होने के कारण हुआ है कि इतना सारा आदमी लोग बाहर से आके हम लोग को इतना सबजुगेट करके रख पाया है। और ये मतलब मेंटालिटी का डिफरेंस है जो आज तक दिखता है, अभी भी दिखता है। अभी भी तुम आदमी लोग को बोले कि अरे सब ये सब जात पात छोड़ना, सब कंसोलिडेट करते हैं। अरे मान लेते हैं कि हिंदुइज्म में कोई कास्ट ही नहीं था, और सच में भी नहीं था, ठीक है, नहीं मानेगा भाई, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन लोग को पता है कि अभी सबके पास पैसा है, पर अगर हम अपना कास्ट का 20 जन के साथ मिलकर अगर हम सारा पैसा हड़प ले तो हम लोग कितना समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन स्कैर्सिटी वाला नहीं है कि अभी हम अपने चक्कर में मर जाएंगे सब, ऐसा है नहीं, अबंडेंस है। तो लालच है यहाँ पे, और उसी कारण मतलब ये मेरा 2 सेंट्स ऑन द मैटर है। इस पे एक बार जॉर्डन पीटरसन इस पे बहुत मस्त बात बोला था, कि जो आइडियोलॉजी होता है ना उसको तुम एक टूल की तरह देखो, ये मत सोचो कि भाई वो तेरी गर्लफ्रेंड है उसी के साथ तेरे को चिपके रहना है, वो तेरा औजार है, अब तेरे को फल काटना है, फल काटना है, तलवार थोड़ी यूज करेगा भाई, तुम चाकू ही यूज करेगा। तो अगर अभी तेरे को दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से मेरे को फायदा होगा या पूरा कम्युनिटी को फायदा होगा तो उसका साथ दो, एग्जैक्टली लेके क्यों बैठ गया है। इसमें बड़ा एकदम मस्त बात मेरे को समझ में आया कि मतलब एग्जाम्पल कोई एक बड़ा मस्त आदमी दिया है, अगर किसी को देखा होगा तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो वो जो मस्त आदमी वो बोल रहा था ये बात कि जो एकदम प्योर सोना होता है ना उसका तुम कुछ बना नहीं सकता है। प्योर सोना केवल बिस्किट का फॉर्म में रहता है 24 कैरेट, उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज जब डालेगा तब तुम उसके साथ ज्वेलरी बना सकता है, ठीक है, जो 22 कैरेट का होता है या 18 कैरेट तक भी होता है। तो वही चीज तुम जो बोल रहे कि आइडियोलॉजी जो है सिर्फ प्योर आइडियोलॉजी वो मतलब उतना यूजफुल नहीं है, जब तुम उसके साथ थोड़ा सा ये रियल लाइफ को भी जोड़ेगा उसमें थोड़ा सा परवर्जन आएगा, लेकिन वो फिर सस्टेनेबल बन जाता है, वो फिर उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। जो मतलब कि एक तरह से बोले तो इसी में अगर हम ऐड करना चाहें बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर इसको बोलेंगे तो जो बचपन से हम लोग सुनते हुए हैं कि जैसा देश वैसा भेस, तो वही अला हिसाब है कि जो तेरे को सिचुएशन लगे उस हिसाब से ही आइडियोलॉजी चूज करो और वहाँ इम्प्लीमेंट करो, जबरदस्ती नहीं है कि हाँ एक है कमिटेड आइडियोलॉजी मेरा यही है और हम यही सही है, मतलब तो पॉइंट ये है कि डिसरप्ट करेगा उस चीज को कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा ये करने से कॉम्प्रोमाइज करने से रियल लाइफ सिचुएशन रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकता है। पर एक ये भी चीज है ना कि तेरे को एनालाइज करने आना चाहिए एक तरह से कि मान सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से अगर तुम रहेगा कि नहीं ये सिचुएशन ये हिसाब से बढ़िया से पार हो जाएगा तो ये भी गलत है कहीं कहीं तो कहीं तेरे को भी है ना। अब जैसे वही हम जो एग्जांपल दिया गोल्ड वाला 18 कैरेट से ज्यादा इंप्योरिटी उसमें डाल देगा तो गोल्ड का वैल्यू नहीं रह जाएगा। राइट राइट। तो वो स्वीट स्पॉट है कि इतना मात्रा में ही चाहेगा तो अच्छा जाएगा, वही है।
जैसे हम बहुत बार, जैसे हम जितना बार भी डिबेट होता है इस्लाम को लेके, हमेशा ये मेरा पॉइंट है कि जब तक वो एक्सक्लूजनरी नहीं है ना, इस्लाम ही नहीं कोई भी आइडियोलॉजी, यहाँ की कम्युनिस्ट लोग के लिए भी, जब तक तुम एक्सक्लूजनरी नहीं है ना तब तक तेरा आइडियोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक तुम सबको इंक्लूड करके चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोग का दिक्कत ही है कि एक्सक्लूजनरी, उन लोग से आई मीन पीपल हु आर रेडिकल, जिन लोग एकदम एक्सट्रीमिटी में है, ठीक है। अबे लेकिन ऐसा नहीं, जैसे तुम बोल रहे हो कि हम लोग में यहाँ खाली मार ही चलते रहता था, सारा चीज अबंडेंस में था, तो इसीलिए मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब विजयनगर एम्पायर था तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट और लंबा टाइम चलने वाला हिंदू एम्पायर था, तो उन लोगों के टाइम में जो संगम डायनेस्टी था सबसे पहला वाला, जो तेरा कौन दो जन स्टार्ट किया था ना तेरा संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी बहुत बहुत हरिहरा और बुकर आया, अच्छा बुकर आया, बुकर आया, तो ये लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है भाई एक तरह से। सबसे पहले तो कैप्चर लोग तेरा उड़ीसा वगैरह कर लिया था, कृष्णा और कावेरी इसके अंदर था, उसके ऊपर शायद जो बोल रहा था गोलकंडा और अहमदनगर ये सब उस टाइम था ऊपर, बाकी नीचे का पूरा कवर कर लिया था, मतलब पूरा साउथ इंडिया, पूरा साउथ इंडिया कवर करके बैठा हुआ था। जो एक्चुअल एम्पायर था इस रीजन में बहुत साल तक वही था, विजयनगर था, और उसके पहले भी जो था वो विजयनगर का सक्सेसर संगम लोग था, और वही सक्सेसर लोग मतलब ये लोग तो स्टार्ट किया था इससे पहले, ये लोग जो आया था ना वही छोटा 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 किंगडम्स डिवाइडेड था कि हर जगह वही मारा पीटी और ये सब चल रहा है, आपस में ही अच्छे छल फरेब सब कर रहा है, लेकिन ये लोग आया, ये लोग बोला कि नहीं हम लोग कम्युनिटी बनाते हैं, हम लोग साथ में लेके चलते हैं, तो फिर इन्होंने जोड़ना स्टार्ट किया पूरा नीचे से, और अच्छा जो कि अभी भी अभी के समय के लिए अगर रिफ्लेक्ट करें इस चीज़ को कि जैसे अभी हम लोग डिवाइडेड है सब चीज़ पे, कास्ट पे, कलर पे, क्रीड पे और रिलीजन में, लेकिन अगर हम लोग सब अपना कल्चरल चीज़ को बांधे तो हम लोग को एक ये कल्चर यूनाइट करता है ना भाई, राइट। तुम कन्याकुमारी से लेके तुम कहीं भी चल जाओ इंडिया का कोई भी कोना में, तेरे को किसी ना किसी फॉर्म में ये जो वर्शिप का तरीका है सिमिलर ही दिखेगा, दिखेगा सिमिलर, ठीक है। और यहाँ तक कि यहाँ का मुस्लिम्स लोग भी बहुत जो है उन लोग फॉलो करता है बहुत सारा चीज़ भाई, right. जो कि उन लोग का कल्चरल मैच करता है, तो उस चीज़ को अगर बेसिस लेंगे ना कि तेरा कल्चरल रूट्स क्या है, तो एक सेंस ऑफ यूनिटी बनेगा कंट्री में। और तो कल्चर को प्रिजर्व करने का ना बहुत एक तो फायदा भी है, अगर तुम देखेगा तो जैसे तेरा आर्ट प्रॉस्पर करता है उस टाइम में, एग्जैक्टली मतलब बढ़िया बढ़िया चीज निकलता है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत स्टेबल रहता है जब कम्युनिटी। और एक और चीज जो हम शायद एक दो पॉडकास्ट पहले ही बोल रहे थे कि तेरा अमेरिका का कोई फोक कल्चर नहीं है, क्यों? क्योंकि फोक कल्चर डेवलप होने में साल लगता है भाई, मतलब सदियों लगता है, तो जब तुम अपना फोक कल्चर, अपना कल्चर को हटा देता है और केवल अपना बिलीफ सिस्टम को अपना पूरा लाइफ मान लेता है, तो तुम उतना साल का जो फोक कल्चर जो बना उसको तुम नेग्लेक्ट कर दिया ना पूरा, खत्म ही है, तेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मधुबनी पेंटिंग कोई हिंदू मुस्लिम थिंग थोड़ी है भाई, मधुबनी पेंटिंग एग्जिस्ट करता है, इतना साल से आदमी लोग उस पे काम किया है, वो कोई जात धर्म थोड़ी जानता है, वैसी जो फोक कल्चर हो किसी का बाप का थोड़ी है भाई, जो मेन क्लासिक क्लासिक कर्नाटिक म्यूजिक जो बना था, तुम कौन सा राजा के बारे में बता रहा था कि उनका दिया हुआ कर्नाटिक म्यूजिक में बहुत सारा, राणा कुंभा उनका बहुत सारा सुर प्रबंध शायद नाम है वो किस किताब का, तो देख रहा है ना ये लोग कंट्रीब्यूट तो किया, ऐसा नहीं है कि खाली आया और बैठ के भाई उसको लूट ले, ये टेरिटरी कैप्चर कर ले, उसको जाके मार ले, इतना नहीं कर रहा है ये लोग, इसके अंदर भी रखे और जो मेन कम्युनिटी को चलाने के लिए जो चीज़ जरूरत है वो सब सारा चीज़ ये लोग बना रहा है, उस पर एफर्ट डाल रहा है, छोटा छोटा वही चीज़ है। अभी एक तो चीज़ बस ऐड करना था कि इसी टाइम में जब तेरा ये बाबर वगैरह ये लोग था ना, तो उसी टाइम ना तेरा विजयनगर एम्पायर मतलब चल ही रहा था इन लोगों का नीचे में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तो उससे पहले से भी था, हाँ उससे पहले से ही वो लोग से पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो तुगलक का टाइम से उन लोगों को हटाया और उसके बाद फिर तो बीच में क्या हुआ पोर्टुगीज लोग ऊपर से तो घुस नहीं पा रहा था ये लोग, क्योंकि वो सब तेरा बामनी सल्तनत ऊपर चल रहा था एक तो, और वहीं तक तो, और अहमदनगर वाला ये लोग गोलकंडा उलकंडा और उड़ीसा में कौन था भाई गजपति हाँ, तो वो लोग सबको मतलब रूल कर रहा था ऊपर वाला पार्ट साइड से ना, इधर तेरा गोवा पोर्ट से सब पोर्टुगीज लोग घुस रहा था। एक बस गलती किया विजयनगर किंगडम का ना, एक सबसे बड़ा गलती था, ये लोग पोर्टुगीज लोगों के साथ हाथ मिला दिया अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन ये देवराया टू का था गलती,
अच्छा ये शायद इन लोगों का ना संगम डायनेस्टी खत्म हो गया, दूसरा सलवा डायनेस्टी ऐसे करके था कुछ, और तीसरा जो डायनेस्टी था मेरे को याद नहीं है, आयरवू कुछ करके, आयरवू हाँ, तो ये तीसरा वाला डायनेस्टी के टाइम ये था देवराय टू, और ये गलती किया जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचा था इन लोगों का। जो बोल रहा है ना, मतलब तुम रिलेशन भी बना रहा है किसी के साथ, अगर तुम अच्छा भी रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हो, डिपेंड करते थे को देखना पड़ेगा कि भाई वो सही है कि गलत है। अगला इंसान जैसे वो लोग यही बोल के आया होगा कि ट्रेड वगैरह करेंगे, अब वो लोग इधर पीछे से बैक स्टैप कर देता है, फिर यहां पे एक और चीज, और ये भी देंगे तेरे को पीपल देंगे आर्मी के लिए कि तुम रिवोल्ट कर सके, फोर्ट्स वगैरह बनाएं। इसमें फिर एक और चीज सोचता ही होगा आदमी लोग कि अबे ये इंडिया का किंग्स लोग इतना चोमू कैसा था भाई, कि हर बार इन लोग कोई ना कोई से चोमू बन जा रहा है, कोई ना कोई चोर। यहां पे फिर कल्चरल चीज है भाई, जब तुम बहुत वेल ऑफ रहता है ना भाई तो तुम स्ट्रीट स्मार्ट नहीं रहता है, जब तुम स्कैर्सिटी में रहता ना, जिन लोग बच्चा लोग रोड पे रहता है ना, उन लोग बहुत तेज है, उन लोग को पता है कि अबे ये ला आदमी का इंटेंशन ठीक नहीं है, ये ला आदमी का इंटेंशन ठीक है, क्योंकि उन लोग रीड कर रहा है और उन लोग का लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है, ठीक है। सही बात। तुम जब कॉन्क्रीट में रहता ना घर के अंदर, अबे ये जो सोसाइटी का बच्चा, इन लोग को छोड़ दो जाके कहीं पे, बैंगलोर में ही छोड़ दो, इन लोग घर ही नहीं आ पाएगा, इन लोग को ऑटो पकड़ना ही नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अब तो चलो उबर उबर लंद पंद है, लेकिन हम बता रहे हैं, तो ये भी सिचुएशन। फिर वो जो स्टार्टिंग पे पॉइंट बताया ना हम, कि वो जो सेंट्रल एशिया का जो कंडीशन है, इट इज सो हार्श कि वहाँ पे सबको एक साथ रहना पड़ेगा साथ में। और एक और चीज़ है कि इट इज सो हार्श कि तेरे को ये देखना पड़ेगा कि डेंजर क्या है, तेरे को परसीव करने का वो जो परसेप्शन का जो तेरा स्किल है क्षमता बढ़ जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कौन आदमी हार्म करना चाह रहा है ये परसीव करना जरूरी है। और हम लोग का वो वाला जो परसेप्शन वाला स्किल है वो डल हो गया, क्योंकि वी आर वेल ऑफ, तो अपने को अच्छा हार्म कर भी दे तो क्या है, बहुत है कोई और से। भाई मेरे पास 10 करोड़ रखा हुआ है, मेरे को हार्म कर ले कितना, 2 करोड़ लेके जाएगा, 5 करोड़ लेके जाएगा, अब जैसे अभी अपना 500 रुपया गिर ही जाए कहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है चल गिर, 2 सेकंड के लिए लगेगा, बुरा लगेगा यार, थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ जाएगा आदमी। लेकिन अगर वो 500 रुपया ही तेरा अगर है पॉकेट मनी है, चाहे तेरा लाइवलीहुड है, तो कितना इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, तो ये डिफरेंस है। इसी वजह से यहाँ का आदमी लोग इतना इजी टू फूल भी है और बना भी। अब तो खैर हम लोग इतना एडवर्सिटी झेल के निकले कि हम लोग भी स्ट्रीट स्मार्ट हो गए हैं क्या नहीं तो वही डॉक्टर गोबरमैन एनालिसिस दिया तुम लोग को भाई आज तो हम सीधे रेलते पेलते घुस गए क्या है ना आज तो कुछ बोला ही नहीं भाई, सीधे स्टार्ट कर दे। हाँ नहीं भाई बड़ा अभी मगर एक किंग का मेरे को याद आया, वो जो तुम बोल रहा था ना कि एक कल्चरल यूनिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे, मतलब कोई राजपूत है तो हाँ ये राजपूत है चलो इसका मदद कर देते हैं वैसा। हाँ, 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 एक राजा था जो ऐसा किया है, खरावेला नाम था उसका, खरावेला। खरावेला के बारे में हम पढ़े बहुत, रिसर्च वगैरह किए, तो खरावेला जो है ना वो कलिंग वाला जो एरिया है ना, जो मॉडर्न डे उड़ीसा है, वहां से बिलोंग करता है। अच्छा, उसके बारे में ज्यादा कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है। उसका रिकॉर्ड्स कहाँ से पता चलता है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के सामने हाथी गुम्फा करके एक जगह, हाथी गुफा। हाँ। हाथी गुम्फा जो है वहाँ पे पहाड़ पे एक गुफा जैसा है, केव्स को कार्व करके बनाया है। अच्छा। और उसमें ना इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है बहुत सारा, तो उस इंस्क्रिप्शंस में वो खरावेला के बारे में बताया कि क्या क्या युद्ध लड़ा था, कहाँ से था, क्या क्या था। तो उस समय इंडिया का सिचुएशन कैसा था कि मगध एम्पायर जो था वो अशोक का मरने के बाद, अशोक जो है ना बहुत ज़्यादा मिलिट्री वगैरह को कमज़ोर कर दिया था, वो स्टैंडिंग आर्मी वगैरह नहीं रखता था उतना, तो उसका जाने के बाद मगध जो है वो पूरा वीक हो गया। मगध वीक होने के कारण क्या हुआ कि इधर जो कलिंग वाले एरिया पे वो लोग कब्जा करके रखा था, कलिंग में एक राजा आया महामेघवाहन, ठीक है। अच्छा, तो वो बोला कि नहीं अब हम लोग नहीं रहेंगे तुम्हारे अंदर, बहुत हम लोग अपमान झेल लिए, तो वो कलिंग को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, तो चेदी चेदी वंश करके एक था, उससे वो बिलोंग करता था। अच्छा, उसी का पोता था ये खरावेला। तो खरावेला जो है वो मगध के अगेंस्ट भी वॉर लड़ा और जीता भी, और उसका ऐसा कुछ था कि मगध के तरफ वो अटैक करने जा रहा था, जिस समय क्या हुआ कि इधर से यवनी लोग हमला कर दिया। अच्छा, और डिमिट्रियस करके एक यवन रूलर था, यवन मतलब ग्रीक। अच्छा, तो वो तेरा मथुरा वाले एरिया में था, तो खरावेला का आर्मी इतना स्ट्रांग था ना, ये लोग जब मथुरा की तरफ गया तो वो लोग मथुरा छोड़ के भाग दिया ग्रीक लोग। ये बोला कि हम जा तो रहे हैं मगध पे हमला करने, मगर मगध पे बाहर वाला लोग हमला किया है, और मगध भी मेरा देश का हिस्सा है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक 1 इंच मिट्टी भी यहाँ मेरा देश का नहीं जाना चाहिए। तो उस समय मगध का हेल्प किया, यवनी लोग को हराया। तो उसके बाद जो पाटलिपुत्र का राजा था मगध का, वो आया इसके सामने,
मतलब वो इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है कि उसके सामने माथा टेक दिया, बट अब वो है कि नहीं वो नहीं पता. आउट ऑफ रिस्पेक्ट. हाँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट. बट हाथी गुंफा में वो इतना मस्त काम किया है ना कि हाथी गुंफा में पूरा लिखा है हम ये वॉर लड़े, ये लड़े, वो लड़े, मगध लोग को हराए, और उसके ऑपोजिट साइड दूसरा पहाड़ पे अशोक का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है. अशोक जिसमें लिखा है कि हम कलिंग को हराए, तो उसके अपोजिट साइड वो दूसरा बनाया लिखा कि हम यहाँ पे हम भी मगध को हराए. कॉम्पिटिशन रुकना नहीं चाहिए भाई. अबे वही तो हम पॉइंट ही है ना पूरा इस एपिसोड का, चाहे हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है उसका पॉइंट ही यही है कि क्या मस्त बात बताया ना तुम कि एक ऐसा रूलर था जिसका देख आंतरिक विरोध है हम लोग का, लेकिन एसेंशियली वी आर फ्रॉम द सेम सॉइल, सन ऑफ द सॉइल, तो वी सपोर्ट ईच अदर. तो बाहर जैसा मोदी बाबा बोला था ये स्पीच में जो नवाज शरीफ अपना पीएम को सिटिंग पीएम उस समय मनमोहन सिंह थे उनको क्या तो बूढ़ी औरत की क्या कुछ बोल दिया था, कमजोर औरत समथिंग, तो वो रैली में बोले थे कि तुम्हारा औकात क्या है बोलने का भाई, तुम मतलब कुछ नहीं, कौड़ी भर नहीं है इंडिया का, भले ऑपोजिशन से भले हम ऑपोजिशन में हैं तो हम कुछ भी बोले, लेकिन तुम वो जो भाई भाई वाला फील नहीं होता है, हम अपना भाई को गाली दे देंगे लेकिन तुम कौन है भी देने वाला, वो वाला सिस्टम, वही चीज, उसी चीज को बहुत एकदम डीप ले जाके एक्सट्रापोलेट करेगा तो वही वाला चीज है कि कल्चरल ब्रदरहुड है हम लोग का. हम लोग आपस में लड़ रहे हो अलग बात है, उसका कोई दादा मेरे साथ ऐसा किया था, मेरा कोई पोता उसके साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन कल्चरली वी आर सिमिलर. तो तुम जो बाहर से आके यहाँ सियाना बन रहे, तेरा सियानागिरी चलने नहीं देंगे. कभी कभी बैकस्टैबिंग भी हो जाता था, बस वही है कि नहीं मतलब वही कभार है. मतलब पर पॉइंट ये है कि बैकस्टैबिंग का किस्सा हम लोग को सब एकदम डिटेल में बताया ना. सपोर्ट वाला जैसे अभी ये बताया जो तो भी कंडीशनिंग कर रहा है कि तुम लोग छूतिया. हाँ, कंडीशनिंग कर रहा है, और वो फिर उस चीज के लिए देखो तुम जो चीज सीखता है ना, भले तुमको लगता है कि हम तो ऐसा नहीं बनेंगे, लेकिन वो तुम बनता है भाई. ठीक है, सही है. और वही चीज है जो चीज तेको बताते रहे, रिपीट करते रहेंगे ना, तुम वही चीज एसेंशियली आगे जाके फिर करेगा. वही बात है भाई, जैसे कि उसमें भी था वो मूवी जो था, एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के सेवा के लिए जा, ये मदद के लिए जा रहा है. जो मतलब ये सिचुएशन ऐसा था कि तेरा कौन सा राजपूत रूलर था, भूल गया भाई हम उसका. कौन सा पिक्चर है भाई, पिक्चर अभी बाजीराव मस्तानी में नहीं था. असल में हम बाजीराव का बात कर रहे हैं, पेशवा बाजीराव का. तो मोहम्मद मगज या तो कुछ तो मंगज कुछ तो नाम है उसका, ठीक है ना, वो सीज करके रख लिया था उसको, बुंदेलखंड था. राजपूत रूलर क्योंकि वो अटैक उधर ये तेरा मतलब खिलजी का. अबे ऐसा हर जगह हुआ है कि मान अगर तेरा बाहर वाला लोग तेरे को अटैक कर रहा है या नेबरिंग ही तेरे को दो तीन मिल के अटैक कर रहा है, तो तेरा जो साथ साथ में रहेगा ना, जो तेरे साथ भले राइवलरी में है, उस टाइम वो तेरे साथ आ जाएगा लड़ने के लिए. एग्जैक्टली वही क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा ही फ्यूचर में जाके. वो फिर वो लेवरेज वाला गेम हो जा रहा है कि हाँ हम तेरा एक बार मदद कर दिए तो तुम मेरा एक बार मदद कर दिए. वो लेवरेज भी, और दूसरा है कि तुम अपना कल्चरल जो चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि तेरा जो फोक कल्चर है, तेरा जो इतना साल का सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, उसको रिस्पेक्ट दूसरा आदमी नहीं करेगा ना जिसका सिविलाइजेशन वो नहीं है, जो इससे बिलोंग नहीं करता, वो सेम रिस्पेक्ट में नहीं रखेगा उस चीज़ को. इसी को हम बोलेगा, तुम तो शायद पढ़ा था ना कृष्ण देवराय के बारे में, थोड़ा वो जानते हैं हम. कृष्ण देवराय का भी हम वैसे ही जानते हैं क्योंकि बाबर नामा जो है वो असल में डायरी है उसका. वो हर रोज डायरी राइटिंग करता था, तुजुकी बाबरी. तो उसमें वो लिखा है, उसमें मेंशन किया है कि अगर भारत में दो सबसे तेजस्वी राजा थे तो एक तेरा संग्राम सिंह राणा सांगा और दूसरा नीचे दक्कन में कृष्ण देवराय. अबे जब देवराय टू जब डिक्लाइन पे ले आए थे ना पूरा अपना डायनेस्टी का, उसके बाद फिर आए थे कृष्ण देवराय. अच्छा. और पोर्टुगीज लोग ऑलमोस्ट मतलब समझ ले लो इन्वेड कर गया और बाबर था ही ऊपर में. बाबर का नजर पता है कैसे पड़ा, बैक टू बैक जब कृष्ण देवराय आया ना, सबसे पहले तो कम्युनिटी नहीं पता एकजुट हो गया, सब कोई वापस से साउथ इंडिया पूरा जुड़ गया नीचे का जितना डेक्कन का था. और ये लोग उसके बाद फिर हराना देखो स्टार्ट किया, सबसे पहले बहामनी सल्तनत जो था उसको हराया, फिर गोलकंडा इसको हराया, फिर गजपति वो लोगों को भी हरा दिया. उड़ीसा साइड पे पूरा उड़ीसा तक ऊपर तक कवर कर लिया था. और बाबर का उस टाइम ना पसीना छूट गया था कि भाई कौन है कौन है. और ये क्या कर रहा था कि पोर्टुगीज लोग से अपना यहाँ से ट्रूप से लोग से ले रहा है, पोर्टुगीज लोग बार बार के वहाँ से आ रहा है, इधर से डाल रहा है और लड़ाई भी कर रहा है, और ऊपर से कल्चरल
कल्चर में तमिल इंस्क्रिप्चर्स कितना सारा लिखा है, बहुत सारा खुद लिखा है बाइज्जत, मतलब बहुत ही नॉलेजेबल आदमी था और उस टाइम बहुत, तो वही है ओवरऑल क्या है कि अगर जब अच्छा लीडर आता है तो पूरा कम्युनिटी को जोड़ देगा, अगल बगल का सब राजा लोग उसको सपोर्ट करने लग जाएगा। वही तो पॉइंट है ना, जैसे कि हुआ क्या था कि जो डिक्लाइन है अशोक के बाद से आया, और अशोक के बाद गुप्ता लोग भी था, गुप्ताज के बाद से आया। हुआ क्या कि गुप्ता का जो राजा था जैसे चंद्रगुप्त टू और वो सब, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, इन लोग इतना पावरफुल पर्सनैलिटी था कि इन लोग पूरा एक इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट का रीजन को एक यूनाइट करके रखना, यू हैव टू बी वेरी करिश्मेटिक, समझ रहा है। और इन लोग के बाद आदमी लोग वो चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पाया उस लेवल पे, बहुत सारे रीजनल लेवल पे किया आदमी लोग, जैसे मेवाड़ का राजा लोग कर पाया, चाहे फिर इधर साउथ में तेरा क्या एम्पायर था यार, विजयनगर एम्पायर को कर पाया, मतलब बहुत कंसोलिडेट कर पाया, लेकिन एक पूरा इंडिया को कंसोलिडेट करने लायक करिश्मा वाला लीडर नहीं आ पाया था। और वही चीज़ उसी चीज़ का घाटा हुआ हम लोग को कि वी डिड नॉट हैव अ मतलब पूरा यूनाइटेड इंडिया, क्योंकि अगर यूनाइटेड इंडिया रहता तो हो सकता है कि मतलब हम लोग के साथ ये सब होता ही नहीं। यूनाइटेड इंडिया तेरा सुहेल देव के टाइम था, सुहेल देव मतलब अबे वही तो छोटा छोटा रूलर्स लोग भी उतना पावरफुल थे, कुछ समय के लिए तुम पोर्टुगीज लोग का बात कर रहा है ना, तो फिर मार्तंड वर्मा वाला बात कि पोर्तुगीज लोग पहले जब उधर कब्जा किया गोवा के साइड, फिर उन लोग उधर जाने लगा ना मलाबार कोस्ट के पास, तो मलाबार कोस्ट का रीजन तुम्हारा मार्तंड वर्मा करके एक राजा थे, ही यूज्ड टू हैंडल दैट, और मतलब वो इतना बड़ा राजा नहीं थे, मतलब छोटा ही था। जैसे सुहेल देव के बारे में बताएं कि वो मतलब 21 भर चीफटेन लोग को लेके सलार से लड़ाई किया, तो ये पोर्तुगीज लोग को से लड़ाई किए, और पोर्तुगीज लोग का पूरा बैटल शिप सब है समझा ना, उस पर कैनन वैनन लेके आया हुआ है, और इन लोग भाई अपना छोटा छोटा शिप से उन लोग को ऐसा ध्वस्त किया, उन लोग को इतना घाटा हुआ वॉर में कि उन लोग बोला कि भाई ये इधर इधर लड़ने उड़ने मत जाओ, पागल है यही लोग तो हराया होगा भाई एक तरफ से देखेगा तो। प्लस पॉइंट ये कि लोग सब लैंड पे है और वो लोग आ रहा शिप से, सबसे पहले तो शिप तोड़ो, शिप टूटा जितना भी डैमेज कर पाया तो वहां तो पानी में ही आधा ज्यादा इन लोगों का सारा चल जाएगा। छोटा शिप को मुड़ाना और ये सब मनूवर करना आसान है ना, बड़ा बड़ा शिप को मनूवर करना बहुत मुश्किल है, बट वही है कि बड़ा शिप ज्यादा घाटा कर सकता है, तो तुमको घाटा बचा ज्यादा मतलब इंसान कैरी करके ला सकता है ना। हाँ हाँ, और नेवल वॉरफेयर में इंडिया बहुत धाकड़ था भाई, बिना उसका धाकड़ हुए तुम अबे यार अगर इंडोनेशिया तक टेंपल मिल रहा है तुमको, जावा तक मिल रहा है, तो वहां तक पहुंचा ना आदमी, सोच इतना बड़ा सी को पार किया, तो उस समय उन लोग बना रहा था शिप भाई, और उसका पूरा एक टॉक है, क्या नाम है, संजीव सानियाल का द स्टिच शिप करके कुछ नाम है। अच्छा। कि इंडिया में इंडिया का एक तो शिप मेकिंग का पूरा मेथड है जिसमें उन लोग स्टिचिंग करता था, मतलब कील नहीं ठोकता था, रस्सी से बांधेगा, रस्सी भी पता नहीं शायद वो पेड़ का छाल वाल से, नारियल का छाल से शायद, तो वो स्टिच शिप बनाता था। उससे क्या होता था कि तेरा ये वॉल्यूम डेंसिटी भी घटता था, शिप का फ्लोट भी करेगा अच्छे से, और फिर टूटता नहीं था, वो भी चीज था। तो वही है, तो नेवल हिस्ट्री इंडिया का बहुत रिच है जिसके बारे में भी नहीं पता हम लोग। अबे सिर्फ नेवल का नहीं, कैवलरी भी अगर तुम देखेगा तो जब मेसोपोटामिया में जब वो चार को बन रहा था, चार चक्का वाला गाड़ी जिसमें तेरा खड़ा रहता है वॉरियर और घोड़ा से चैरियट, मतलब लेकिन वो चार चक्का वाला था, यहाँ पर ये लोग इंडस वैली में लोग बना लिया था, दो चक्का वाला बना चुका था पहले, तो फिर वही डिफरेंस ना, तुम उसी हिसाब से तुम कंपेयर कर सकता है कि तब तो नेवी में हम लोग ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली उतना टाइम तक नेवी तो चली गया होगा भाई टेक्नोलॉजी। नहीं नेवल पावर तो था ही, मतलब यहाँ तक कि मराठा एयर वॉर के बारे में कुछ पता है क्या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ तो हम लोग का तो भाई तो सैड है विमान शास्त्र ब्रो, हम लोग पुष्पक उष्पक उड़ाता, तुम लोग माने चाहे नहीं माने, हम लोग उड़ाते अभी तो राजा वजा लोग से बहुत पहले कह देते भाई, पुष्पक में चल रहा है साहब, सतयुग उतयुग में। अबे मर्करी वाला आयन तुम तो एक बार ब्रेक डाउन करके बताए एपिसोड में नेवी का, उन लोग अभी जेट पैक का ये कर रहा था ना, रॉयल नेवी ये कर रहा था पैक का टेस्टिंग। हाँ हाँ हाँ, पूरा उन लोग चल ही रहा है, चाइना वालों में तो कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया है, वो चमगादड़ पे बैठ के उड़ लेगा, उन लोग चमगादड़ पे बैठेगा सर, बैटमैन वही है। अभी जैसे कलिंग का भी जो डायनेस्टी सब है उसके बारे में कितना नहीं जानता हम लोग, वही एग्जैक्टली
जैसे वो पूरा रीजन बहुत दिन तक ऑटोनोमस रहा है, यहाँ तक कि तुम मैप्स में भी देखेगा तो उसको ऐसा लिख देता है कि ट्राइबल ट्राइबल रीजन करके माफ कर देता है, लेकिन वो रीजन बहुत दिन तक बहुत समृद्ध और बहुत राजा लोग रहा है उधर, बताता नहीं है उसके बारे में। करो बे कि मानो मुगल इन्वेजन नहीं होता समझा, खाली ये सब किंगडम सब ही रहता और अपना इधर यहाँ पर जितना राजा लोग रूल करता अलग अलग टेरिटरीज अपना अपना छोटा छोटा, तो अपना न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल कैसा होता बे? मतलब नेशन नहीं होता, किंगडम जैसा रहता, किंगडम रहता और फिर उस टाइम इंफॉर्मेशन कैसे घूमता समझ रहा है? मतलब ऑब्वियसली हम लोग इवॉल्व करते हैं, टेक्नोलॉजी भी आता दुनिया में, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता टेक्नोलॉजी। अबे तो बहुत अलग सीन रहता, क्योंकि जब लास्ट गुप्ता पीरियड का टाइम था ना तो पूरा वर्ल्ड का 35% इकोनॉमी शायद इंडिया होल्ड करता था, जो इन लोग बोलता है ना कि मुगल पीरियड पे 28% इकोनॉमी होल्ड, तो डिक्लाइन था भाई 22% था, सॉरी तेरा अकबर अकबर के टाइम डिक्लाइन था, और उस समय वो लोग बस टैक्स लेता था भाई, इसलिए इकोनॉमी था वो डिक्लाइन था उसके पहले, और वो पहला बार था मुगल एम्पायर वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस कि वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना के नीचे इंडिया आया। अच्छा, पहले ऐसा था कि हजारों साल तक इंडिया था और फिर उसके नीचे चाइना था, ठीक है, वो पीरियड में ही चाइना ओवरटेक किया इंडिया को, ठीक है, और फिर उसके बाद तो फिर हम लोग ध्वस्ती हो गया, मतलब ये ब्रिटिश लोग आके तो गजब किया, रेलवे वेलवे बना के सब शिप उप लगा के सब लेके गया इधर से, कुछ नहीं छोड़ा भाई तो वही पॉइंट है कि उस समय हम लोग 35%, अभी तुम सोचना वर्ल्ड इकोनॉमी का 35% अगर हम लोग आज होल्ड कर रहे होते तो भाई मतलब क्या, वो जेट जो बोल रहा ना हम लोग घर में सबका एक एक होता है, मंडे को ये वाला जेट, संडे को वाला जेट, 50 ट्रिलियन का विमान लेके जाता भाई, बाय पुष्पक जेट में कौन लेके जाएगा भाई। तुम वो सोचो कि स्क्रिप्चर्स भी तो रहता है, ये भी तो है। हाँ 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 हाँ, वो खिलजी वाला पूरा इंसिडेंट नहीं होता, और भी कितना विमान होगा क्या पता। अबे देख, एक चीज तो है कि ये भी जो है ना थ्योरी कि मतलब जो मॉडर्नाइजेशन है वो अभी ही आया है, इसके पहले सब लोग अनपढ़ था, किसी को कुछ नहीं आता था, मॉडर्न मशीन्स जो है वही है। अबे तुम एक चीज देख, जब तुम एक पूरा माउंटेन को टॉप डाउन कट करके एकदम प्रिसिजन के साथ पत्थर को छेद छेद के आर्किटेक्चर बना ले रहा है, ठीक है, तो तुम किस हिसाब का मशीनरी या फिनेस जानता होगा कि तुम वैसा आर्किटेक्चर आज आज भी जो बन रहा है, आज भी जो मंदिर सब राम मंदिर बना, चल बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन एक बार कैलाश टेम्पल का तुम फोटोज ही देख, इलोरा अजंता केव का फोटोज ही देख भाई, क्या डिटेल किया है उसमें, उसके लिए जो स्किल लगता है वो मतलब कोई मजाक स्किल तो है नहीं। तो ऐसा कहना है कि उन लोग कोई डेवलप्ड ही नहीं था, उन लोग सब चोमू था, उन लोग ऐसा नहीं है। तेरा तेरा डेफिनेशन गलत है मॉडर्निज्म का, तुम लेके बैठ गया कि भाई बिजली और ये सबसे चल रहा है वही मॉडर्निज्म, मॉडर्न है हम लोग बना दिए, बट हो सकता है कि हम लोग भी ये पाथ पे नहीं आते, हो सकता है कि जो मर्क्यूरी वाला है वही बन जाता, तो हो सकता है हम लोग बिजली कभी यूज ना करते, तो ये बस एक स्पेसिफिक पाथ है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे वो मंदिर का क्या नाम है, दिमाग से निकल गया मेरा, जिसमें सन एवरी आर नहीं, पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभ स्वामी है, समर सोलिस्टिस के दिन सन उसका जो विंडो है ना वो पूरा हर एक विंडो पे सन आता है। अब वो कृष्ण देवराय इतना रेनॉन्ड इसलिए ना क्योंकि वो बनवाया बोला। अच्छा, पद्मनाभ स्वामी, सोच भाई क्या आर्किटेक्चर है कि तुम मतलब एकदम डिटेल्ड हर साल समर सोलिस्टिस पे हर एक विंडो पे सन दिखेगा हर पहर में, मतलब मजाक है भाई ऐसा। यहाँ तक कि तुम पिरामिड्स का ही बात करता है ना भाई, पिरामिड्स ही जो बना है उतना बड़ा बड़ा, उतना 80-80 टन का पत्थर सबको हिला हिला के, चल पहला बात तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा खासा ये क्या उसको बोलते हैं यार, ठीक है छोड़ो, एक्स हटाओ हटाओ, इस पे डिबेट हमें तो सुन रहे थे कि जितना भी इसराइलीज लोग हैं, ज्यूज लोग हैं, वो लोग को लोग इजिप्शियन लोग स्लेव बना के रखा था 400 साल तक, और वो लोग ये सब सुन के ठीक है, लेकिन 400 साल तक तुम बनवा रहा है यार, वही थोड़ी तो वही बेवकूफ है, 400 साल तक उन लोग स्लेव बना के रखा हुआ था उन लोगों को, जूस लोगों को, और फिर तेरा जो जूस लोगों का जो भगवान है वो लोगों का बच्चा को ये दिया बुलाया ऐसा लाल अंदर पता, ये जो ये फैरो था ना इजिप्ट का, फैरो के टाइम क्या हुआ कि जो
मोसेस नाम से जानता हूँ, मोसेस, मोसेस, राइट राइट, तो मोसेस की जो माँ है उसको नदी में बहा देती है, ठीक है, तो बहा के चल नदी में बहता रहता है, तो जो फैरो की जो माँ रहती है, नहीं नहीं बहन रहती है, जो भी रहती है उसका फैमिली कोई उसको ढूंढ लेता है और उसको रॉयल फैमिली में ले आता है, तो वो अपना दुश्मन लोग के साथ ही बड़ा होता है पूरा, ठीक है, और वो भी अपना उसका जो भाई रहता है रामसेस नाम रहता है उसका, वो दोनों भाई जैसा बड़ा होता है, रामसेस फैरो बन जाता है, ये फिर बाद में जाके अपना यहूदी लोग से मिल जाता है और फिर लोग को समंदर उंदर क्रॉस करवा के जो लोग कहानी है रेड सी को पार्ट कर देता है, सब बीच से फाड़ दिया सी को। हम एक कुछ तो नया नेटफ्लिक्स पाया समझा, हम देख रहे थे तो वही ये, नहीं टेन कमांडमेंट्स नहीं, ये फैरो वाला ही पूरा स्टोरी था। तो बेसिकली क्या, मोसेस जो रहता है उस टाइम ना, जो उसका बाप रहता है ना, फैरो का जो बाप रहता है, वो उस टाइम जो फैरो रहता है, तो वो क्या ऑर्डर पास करता है कि जूस लोग अगर ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा तो ये लोग कैप्चर कर लेगा इजिप्ट को और इजिप्शियंस लोग को हटा देगा फैरो का पोजिशन से। तो ये क्या करता है, जितना भी मेल लोग है ना सबको मरवा दो, जूस जितना भी मेल है सबको हटाओ, सबको मार दो घर घुस घुस के, और अगर अगर न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी मारो। तो ये ऑर्डर पास कर दिया था। तो इसकी माँ क्या करती है ना, न्यू बॉर्न ये जो ये तेरा मोसेस न्यू बॉर्न रहता है, और जाके उसको ना ये पानी में बहा देती है, और फिर वो जो फैरो की बेटी रहती है और फैरो का जो बेटा रहता है, जो तुम जिस जो नाम लिया उसका, हाँ, तो उसकी बेटी ना, उसकी बेटी का मतलब न्यू बॉर्न रहता है, मर जाता है, और उस टाइम आके नदी के साइड में रोते रहती है, तो उसको दिखता है, फिर उसको दिखता है और वो आके उसको उठाती है, और फिर वो उसको समझ आ जाता है कि भाई है तो जीव का बच्चा, लेकिन फिर वो बोलती है अपना उसका जो ये लोग जीव का बच्चा कटा दे। अरे ये हार्ड है। हाँ, तो अब क्या पता होगा उसको सर्कमसिजन जू लोग का ही थिंग है ना। हाँ, वहीं से था। हाँ, वहाँ से बोरो किया, तो वहाँ से उठाई उसको, फिर लेके गई वो बचपन पला बड़ा वहीं पर किंगडम में उन का। और फिर वैसे कोई तो इस पे जोक था कि ड्यून 2 में दिखाया है ना रिलीजन के बारे में। ड्यून 2 देखा है? ड्यून सीरीज देखा है? तो उसमें उन लोग का भी रिलीजन है, तो उसमें उन लोग का जो प्रैक्टिसेस है वो मतलब जूश प्रैक्टिसेस से सिमिलर है, मतलब उसी तरह से उन लोग प्रे करता है। तो और जूश लोग का प्रैक्टिस और मुस्लिम लोग का प्रैक्टिस सिमिलर है। तो उसका कमेंट सेक्शंस में जाएगा पूरा, भाई लोग लिख के परेशान है भाई कि ओहो ड्यून मूवी में हम लोग का कल्चर को दिखाया है, मुस्लिम लोग लिख रहे हैं। तो फिर उसी पे कोई लड़का जू कमेंट किया था, अबे तुम लोग का कल्चर हम लोग का कल्चर का कॉपी है, उन लोग हम लोग को डिपेक्ट कर रहा है, तुम लोग को लग रहा तुम लोग को डिपेक्ट कर रहा है। ये लोग सोचते हैं जहां भी रेगिस्तान दिखा दिया वो सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब अबे ये लोग अपना भगवान को लेके लड़ते रहता है, ये लोग का जो बिलीफ है ना, ये लोग हेटेड बहुत हार्ड है मुस्लिम कम्युनिटी में भाई। हां वो तो एंटीसेमिटिक, एंटीसेमिटिज्म बहुत एकदम डीप रूटेड है। देखते ना यूएस में इलान ओमर करके जो है, हाँ, वो तो सेनेट वगैरह में भी पूरा चल रहा है एंटीसेमिटिक बात सब। अबे यहाँ तक कि इमरान खान की फर्स्ट वाइफ जूश थी ना, उसके लिए उसको बहुत बैकलैश मिला था भाई कि तुम यहूदी से शादी कर लिया, तेरा बच्चा यहूदी। यहाँ तक कि वो जब टर्म में भी था ना इसमें पीएम का ऑफिस में, तो उसका ऑपोजिशन का कोई मिनिस्टर बोली थी कि अगर तुम इतना ही ये है तो तुम्हारे बच्चे यहूदी क्यों है बताओ, ठीक है ये सब बात सब। पॉइंट, लार्जर पॉइंट ये है कि यार मतलब जो ठीक है यार बिलीफ और ये सब सब ठीक है, लेकिन बिलीफ शुड नॉट बी दी ओनली थिंग दैट गवर्न्स योर लाइफ, ठीक है। एक कल्चर, एक जो हेरिटेज से तुम आता है उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके एक सिंक्रोनस सोसाइटी बनाना बहुत ज़रूरी है। एक प्राइड और एक आइडेंटिटी तक ठीक है, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर जो ईगो में आ जाता है वो चीज़ बदल जाता है। बिलीव वो भी कई हद तक गलत है, क्योंकि कुछ आएगा फिर वो चीज़ दबेगा, फिर नया चीज़ आएगा फिर दबेगा, फिर उसके बाद नया चीज़, और ये चीज़ एक्सेप्टेबल रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि नहीं जो वही फैरो वाला कहानी था कि तुम सारा मेल लोगों को मरवा दो। मैं समझ रहा हूँ, अबे तुम सबको मरवा दो तो मतलब ये क्या है कि पावर के लिए हम कुछ भी कर देंगे। जो वो होता है ना क्या, पॉलीथीस्ट नहीं होता शब्द, एक और शब्द है जो पेगन नहीं अच्छा शब्द है, जो मतलब अलग अलग तरह का आइडियोलॉजी को एक साथ रखने वाला। हिंदू रिलीजन को पॉलीथीस्ट नहीं बोलता है, उसको वही शब्द बोलते हैं, क्या यार नाम बहुत, अबे मतलब उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो अलग अलग तरह का बिलीफ को एक साथ सस्टेन करके रखना और मतलब सेलिब्रेट करके रखना, वो है एक आइडियल सोसाइटी।
ठीक है, जो सिचुएशन है और वहीं पर वो उस तरीके का आइडियोलॉजी रख दो जहाँ तुम बोले कि यार मेरे को ये वाला चीज जो है ये सही नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है ऐसे होना चाहिए। अब हम लोग तर्क कर रहे हैं इस पे, और मान ले तुम मेरा बात नहीं मान रहे, हम भी तेरा बात नहीं मान रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि तुम मेरा बात नहीं मान रहे तो तेरा गला काट देंगे, ठीक है, वो होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ हम लोग को अपना एक कल्चरल जो सिमिलैरिटी है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ भाई मेरा कल्चर में ये चीज है, एज इन जो भी तेरा प्रैक्टिसेस हो, तेरा फोक ट्रेडिशंस हो, फोक आर्ट्स हो, शिल्पकारी हो, ये सब हो, ये सब को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। एग्जैक्टली, बढ़िया है, बढ़िया है। अब क्या ही है, और कुछ ऐड वर्ड करना है तो बताओ तुम लोग, बताओ कोई और राजा हो जाएगा किस्सा उस्सा कहानी वहानी अगर है तो बताओ। बाकी मेरे को लग रहा है कि हम लोग तो काफी थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान वैन फेल दिया है भाई, इंटेंस है पॉडकास्ट में। बहुत समय पे मेरे को ऐसा लगा कि हम खुद से बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब हम तो शायद समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, पर शायद सुनने वाला नहीं समझ पाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं, काहे नहीं समझेगा भाई, सब अपना। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे लिखने का भाई कि अबे तुम लोग इतना डीप मत जाओ, डीप शिट नहीं चाहिए। सिपो हम भी पानी छोड़ने लग गया, देख रहा है क्या बात कर रहा है अभी। तेरे तो पसीना कैसे होने लग गया भाई, पता मेरा तो है ही भाई। पानी छोड़ने पानी छोड़ने टे वो कौन सा था बे, लीक कर रहा है साला। अरे वो हम बार बार उसका नाम भूल जाते हैं। अरे हाइड्रो रहता है ना, स्क्वर्टल 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 स्क्वर्टल। सबसे हरामी क्या है, सबसे सबसे हरामी पोकेमोन वही रहता है आजकल। अरे भाई अभी एक चाटने वाला भी रहता है ना, जो पूरा चाटता है सब कोई, उसका जीभ बहुत बड़ा रहता है। हाँ, उसका चाटना ही उसका पावर रहता है। हाँ भाई, वो भी अटैक करो, चाट देता था उसको। भाई पोकेमोन, अबे पोकेमोन में शायद आश मर गया है कि क्या हो गया है भाई, भाई लोग पूरा जनता आश आश हो गया है। हाँ, अरे नहीं हुआ क्या कि फाइनल वाला सीजन में आश जो है वो फाइनली जीत गया। अरे अच्छा, टूर्नामेंट मतलब हर बार क्या होता था कि फाइनल पहुंच के हार जाता था, इस बार क्या हुआ कि फाइनली वो जीत गया। अरे वही हुआ है तो पोकेमोन बोल रहे कि अब आगे कैसे चलेगा, कोई नया कैरेक्टर लाना पड़ेगा, ऐश कैसे जीत सकते भाई। बताओ भाई, अपना हीरो का जीतने के लोग खुशी भी नहीं है क्योंकि वो 20 साल से 10 साल का ही है ना, वो कभी बड़ा नहीं हुआ है। अरे बाप रे बाप, ये तो बेचो टपू सेना हो गया बे, तारक मेहता गार्गेंचुआ में चल रहा है क्या सब कुछ। अरे भाई, सब टाइम स्टैंड स्टिल में चल रहा है, सब चीज आगे बढ़ रहा है पर एज नहीं बढ़ रहा है, बस टाइम कांस्टेंट। मैथ्यू मैकोनहे बन गया एश कैचम भाई, बहुत दिन हो गया भाई कार्टून पॉडकास्ट किए हुए, एक दिन कार्टून पॉडकास्ट भी कर ही लेते हैं क्या। कार्टून कार्टून है तो है, हम लोग कार्टून ही तो है, अपना व्यूअर लोग लगे कार्टून ही बोले, कार्टून है साला। कार्टून से कम थोड़ा, अभी एक लड़का लिखा था भाई, एक लड़का लिखा था कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ के आजकल आपका पॉडकास्ट ही देख रहा हूं। बोले अरे भाई, एक लिखा था साला कार्टून देखते देखते कार्टून ही बन गया साला, बन गया वो। अरे भाई, हाँ भाई कार्टून तो बन गए हम लोग एक तरह से। 25वां एपिसोड होने वाला है ना ये, 24वां भी हम लोग कर रहे हैं, 25वां एपिसोड होने वाला है। बहुत बहुत बतौलाबाजी कर लिया भाई, बहुत फर्जीवाड़ा हो गया। साल भर होने जाएगा ना फिर हम लोग का, जून में दो महीने बतौलाबाजी कर, जून में हो जाएगा ना। अबे तुम एक सेकंड बैठ के सोचेगा कितना हवाबाजी की है बे ला पॉडकास्ट में हम लोग, कितना जबरदस्ती का दिया हुआ, इसी को हसल बोलता है पता है भाई। जबरदस्ती लगा वो दो दो घंटा ट्रैवल करके आ रहा है, दो घंटा ट्रैवल करके आ रहा है, किसने यार चोमू बनाना सब किया है, तुम लोग को नहीं पता है, हम लोग बताते हैं एक सर्च पे सब चीज, जितना हम लोग इन्फॉर्मेशन आज तक दिए है एक गूगल सर्च पे मिलेगा। पता है पता है, एक तो पॉडकास्ट है गूगल सर्च पॉडकास्ट, उसमें वो एग्जैक्टली गूगल सर्च करके और जो उसको पता चलता है उसके ऊपर वो बात करता है, चाहे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है साथ में ही। हम लोग का द सर्च पॉडकास्ट ही है पर द गूगल सर्च शो की समथिंग ऐसा है। हाँ, हम लोग थोड़ा, अबे तुम लोग एक तो क्रिएटर देखा है अभी हम रिसेंटली, उसको विजय 3 गाय क्या करता है वो बता। अरे बहुत गजब इंसान है, मतलब हम उसको बहुत पहले से देख रहे तो अच्छा खासा फॉलोअर हो गया 1.2 मिलियन। करता क्या है, और ये रील बना, तुम उसको देखा होगा जैसे इसका रिसेंट वाला कौन सा था भाई, दो गिलास करना 10-10। अरे हाँ देखा 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 भाई, 20 और 30 वाले हैं, ये यही सब बनाता है समझा, इस तरह के। हाँ भाई यही वाला गाड़ी में रहता है, जिसका एक तो और रील है होली में बैठ के जा रहा है सुबह सुबह रंग लाने, वापस आ रहा पूरा रंग आया हुआ है। अरे अच्छा खासा इसका रीच आ गया भाई। अभी अभी बहुत सारा, एक और क्रिएटर था कानपुर वाले की कुछ ऐसा करके, वो अपना घर में केवल अपना मम्मी और मतलब
अपना मम्मी और अपना बीवी से बात करता है और वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके डालता है एज इन स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन रहता है। जैसे कि मम्मी बोली कि जाओ जीरा लेके आओ, अब वो बोला कि अरे यार मेरे को चाय चाहिए चाय चाहिए, बोल रहा पहले जीरा लेके आओ फिर चाय देंगे। फिर वो जाता है दुकान से जीरा लेके आता है, तब मम्मी बोलती है अरे ये तो दूसरा वाला जीरा ले आया जाके चेंज करो। फिर बोलता अरे हम नहीं जाएंगे बेइज्जती लगता है। अभी याद नहीं बचपन में मम्मी हम लोग को भेजती थी चेंज करके लाने के लिए, जाओ चेंज करके, और लगता था अबे यार फिर जाओ, फिर वो चोमू को समझाओ शॉपकीपर को कि ये वाला नहीं भाई वो वाला चाहिए था। अरे इसमें मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ है, अरे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मम्मी बोली जाके दालचीनी लेके आ जाओ, भाई हम लिटरली दाल और चीनी लेके आया था भाई भाई मेरे साथ एक बार ऐसा कितना मम्मी तेरे को एक किलो दालचीनी लाने बोली थी क्या? नहीं नहीं एक किलो मेरे को बोली दालचीनी लेके आ। अच्छा बस दालचीनी बोली, मेरे को मम्मी को क्वांटिटी नहीं बताई, मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी 10 रुपए का 20 रुपए का, चल बहुत ज्यादा 50 रुपए का लेके आ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा 10-20 रुपए का ही आता है। तो हम आधा आधा किलो दाल और आधा किलो चीनी लेके आ गए।